और इसका जो खांचा है ना ये वाला, एक पेंच इसमें टाइट करेंगे यहाँ पर। और इसको लगाने से पहले है ना दोस्तों, इसकी जो प्ले है ना ये वाली, ये हल्की सी ऐसे मिला लेंगे और ऊपर से पेंच टाइट कर देंगे। ये हो गया और ये वाला भी, दोनों पेंच को। हेलो दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जो सिलाई मशीन की गरारी होती है ना, पीको सिलाई मशीन की, और इसके जो है ना ये बुश होते हैं, ये बुश और गरारी का मिलान, ठीक है, और ये रोड। जैसे कि हमने आपको जो है पिछली वीडियो में बताया था, इसकी जो चाल की सेटिंग है ये चाल करके दिखाई थी, इसके अंदर के बुश ठोक के दिखाए थे हमने चाल के। तो इस वीडियो में हम आपको जो है ना दोस्तों इसको मशीन को ऐसे खड़ी करेंगे और इसके जो बुश है ये वाले बुश ठोकेंगे और उसका गरारी का मिलान करेंगे अच्छे से। और ये जो चैन वाला रोला है ना, इसमें ये जो चैन लगती है, ये नई वाली चैन है, ये इसमें लगती है। तो पहले तो बुश ठोक के दिखाएंगे आपको इस पार्ट में, और गौर से देखना वीडियो को दोस्तों, वीडियो को काट नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो दो बुश है ना, एक ऊपर ठोकेगा यहाँ पे, इसमें एक तो यहाँ पे लगेगा और एक लगेगा इस सुराख में। और इसके अंदर जो है ना दोस्तों, यहाँ पे सुराख है, ये जो बुशों के सुराख है ना, इसमें तेल आने के लिए, एक ये और एक यहाँ पे। सबसे पहले इनके सुराख खोल लेंगे, और इस वाला भी होता है, ये ऊपर बॉडी में यहाँ पे सुराख है, ताकि इसमें जब तेल डालते हैं तो तेल आसानी से चला जाए। ये सुराख खोल लेंगे, ये सुराख अच्छे से खोल लेंगे ताकि इसमें जो है ना तेल आसानी से चला जाए। ये देखिए इधर आ गया होगा ये बर्मा, ये देखिए इसमें सुराख में आ गया ना ये, क्योंकि इसको ठोकने के बाद हम सुराख खोलेंगे तो फिर खोलने का नहीं, ऊपर की बुश का खुल गया और ये नीचे वाला बुश का खोलना है। ये और यहाँ पे है ना, ये भी तीनों सुराख खोलने हैं। अब ये सुराख खोलने के बाद हमें बुश ठोकने हैं, इस बात का ध्यान रखना आप। ये तो हो गए दोस्तों, और सबसे पहले हम ठोकेंगे जो फाइबर की गरारी लगती है ना ये वाली, और इसका बुश होता है कूलर वाला। इसमें इसको सबसे पहले चेक कर लेंगे दोस्तों, ये इसमें आ रहा है नहीं, ये इसमें फ्री होना चाहिए बिल्कुल। अगर इसमें टाइट है ना दोस्तों फिर आपको दिक्कत होगी, तो उसको पहले ही चेक कर ले, ये फ्रिज में फ्री होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ये देखें यहाँ पे सुराख है, जो हमने सुराख खोला है ना ऊपर से, ये जो सुराख खोला है हमने, और इसके जो सुराख है ये वाले, इसके सामने रखने हैं ऐसे, ताकि जब हम ऊपर से तेल डालेंगे तो उसमें तेल आ जाए आसानी से। और इसको यहाँ पे करेंगे और हल्का सा तेल लगा के इस पर ऐसे, और ऊपर से ठोक देंगे इसको ऐसे। ये ठोक गया, और ये ठोकने के बाद दोस्तों इसकी जो ये है ना रोड, ये चेक कर लेंगे, इसमें ये आनी चाहिए ऐसे, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको बिल्कुल, ठीक है। और अब हमें ठोकना है ये वाला बुश ऊपर वाला, इसको मशीन को ऐसे खड़ी करेंगे, और ये जो सुराख है ये सामने की साइड करेंगे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना ना इधर करना, इसको ऐसे करेंगे सामने की साइड, और इसको ठोक देंगे, और उसका मिलान भी करना है, मिलान भी बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। ये ठोक गया ऊपर का, और उसको ऐसे पलट देंगे बॉडी को, और इधर से भी ठोकेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। अब जो है इसमें जो है ना रोड लंबे वाली, ये डालेंगे और ऐसे इसकी लेंथ जो है ना बिल्कुल चेक कर लेंगे, फ्री होनी चाहिए, अभी जो है ये टाइट है, इसको ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है ना यहाँ पे, इसमें यहाँ पे टकरा रही है, और ये फ्री जानी चाहिए, इसमें यहाँ पे चोट मार लेंगे ऐसे, ये देखिए इधर से फ्री हो गई ऐसे, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, अभी जो है थोड़ी सी टाइट है ये। ये देखिए दोस्तों, अब भी जो है ना हल्की सी ये यहाँ पे लग रही है, इसको बिल्कुल फ्री करनी है, ये देखिए ये ऐसे बिल्कुल फ्री जानी चाहिए। अगर जो हल्की सी टाइट है ना, इसको बाद में ब्रश लगाएंगे, और पहले तो इसका जो है ना दोस्तों इसमें दोनों पेंच लगा लेंगे इसके, ये वाले
और नीचे भी। इनको पेंच को लगा के अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये हो गया टाइट और ये वाला। इसके बाद जो है ना फिर गरारी का मिलान करेंगे। ये देखिए तो दोनों टाइट हो गए। अब इसको मशीन को ऐसे लेटा लेंगे। ये हमने लेटा लिया दोस्तों। अब इसमें ये जो गरारी है ना और ये गरारी, ये वाली तो इसमें लगेगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और ये जो गरारी है ये इसमें लगनी है यहाँ पर, समझ गए मेरी बात। इसको गरारी का जो है ना, इसका जो खांचा है ये वाला और ये गरारी का पेंच है, इसको इसमें टाइट कर लेंगे बराबर करके। यहाँ पे बराबर करना है इसको बिल्कुल। ये हो गया। और इसका जो गरारी का पेंच है ये, इसका जो है ना ये पेंच टाइट हो गया दोस्तों। और ये दूसरे वाला पेंच टाइट कर लेंगे गरारी का। इसको जो है ना फिलहाल जो अंदर वाली गरारी है इसको बाहर निकाल लेंगे ये वाली, और इसके दोनों पेंच ये टाइट कर लेंगे। ये भी टाइट हो गया दोस्तों। और इसको जो है ना पहले ऐसे फ्री चेक कर लेंगे, बिल्कुल फ्री होना चाहिए ऐसे। अभी जो है थोड़ा सा हल्का सा टाइट है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हल्का सा ब्रशो लगाएंगे इधर भी और इधर भी, और इसको फ्री कर लेंगे बिल्कुल। तो दोस्तों इस पे जो है ना ऐसे डोरा लपेट लेंगे और इसको फिर जो है आगे पीछे करके अच्छा लाएंगे, इसको फ्री कर लेंगे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल फ्री हो जाएगा ये। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल फ्री हो गया। और इसको जो है मिट्टी के तेल से या डीजल से धो लेंगे ऐसे। कालस जो है बिल्कुल निकाल देनी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये चीज़ है ना बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अगर ये चीज़ फ्री होगी ना आपकी सिलाई मशीन की, तो आपकी सिलाई मशीन बिल्कुल पानी की तरह चलेगी बिल्कुल फ्री। ये देखें, ठीक है दोस्तों। इसको साफ़ कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, इसको हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया। और अब ये जो गरारी है ऊपर वाली, इसको जो है ना इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको भी चेक करेंगे, फ्री होना चाहिए इसमें ये। ये देखें दोस्तों, ये जो है ना हल्का सा टाइट है। इसमें भी जो है ना दोस्तों हल्का सा ब्रशो लगा लेंगे यहाँ पे ऐसे, और इसमें इसको डाल लेंगे और इसको भी हल्का कर लेंगे। इसमें ब्रशो लगा के दोस्तों ऐसे ही हाथ से हल्का कर लेंगे और ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जैसे हमने ये वाली रोड करी ना गरारी, और बिल्कुल फ्री ऐसे ही इसको कर लेंगे ये। ये देखें बिल्कुल फ्री है। अगर वो टाइट हो तो ऐसे ही आपको करना है, हल्का सा ब्रशो लगाना है और इसको जो है बिल्कुल फ्री कर देना है ये। इसको जो है दोस्तों कपड़े से साफ कर लेंगे पहले ये, और इसमें जो है ना तेल डालेंगे। और अच्छे से साफ कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर से अपना आप गिर रहा ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल फ्री है, ये फंस नहीं रहा कहीं, ठीक है दोस्तों। अब इसको निकाल के अच्छे से साफ करेंगे। ये साफ हो गया दोस्तों। अब इसके जो देखे दोस्तों, इसके जो है ना अंदर कचरा भरा हुआ है, दांते जो है ना इसके, इसके अंदर कचरा भरा हुआ है। इसको जो है साफ कर लेंगे आरी के ब्लेड से। इस पे जो है ना दोस्तों, ये जो आरी है ना, इसके जो अंदर का कचरा है ऐसे साफ कर लेंगे बिल्कुल, ताकि एक एक दांते में से जो है सारा कचरा निकल जाए, तभी हमारी गरारी जो है सही चलेगी। अगर इसमें कचरा भरा होगा तो हमारी जो है गरारी के दांते जो है इसमें फंसेंगे फिर। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके जो है ना सारे दांते जो है अंदर से साफ कर लिए। अब इस पर जो है ना ब्रश मारेंगे और इसको जो है बिल्कुल कचरा इसका साफ कर लेंगे, है ना दोस्तों। और तेल डीजल इससे सारा कचरा साफ कर लेंगे ऐसे, अंदर तक मारेंगे इसमें, ताकि इसके अंदर कोई भी जरा सा भी कचरा ना हो।
अगर जिसमें कचरा होगा ना दोस्तों, हमारी जो है गरारी अटक के चलेगी रुक रुक के, इस बात का ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। और इसमें ऐसे तेल मार लें, ये हो गया साफ बिल्कुल, और इसको कपड़े से साफ कर लेंगे। अब देखिए इसके दोस्तों दांते जो है ना बिल्कुल एक एक दांत बिल्कुल अंदर से साफ हो गया, तो अब लगाएंगे हम इसको। इसको लगाने से पहले ना दोस्तों इसका जो कवर है ना ये, इसको रोकने के लिए इसको लगा कर चेक करेंगे, पहले इसके पेज खोल लेंगे, ये इस रोड में आ रहा है नहीं, पेज खोल लिया हमने और इसमें चेक करेंगे, ये इसमें आना चाहिए, ये आ रहा है आसानी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब लगाएंगे इसको दोस्तों, ये जो बड़े वाली रोड है ना और गरेरी है, इसको इसमें डाल लेंगे, यहाँ पर ये डाल लिया हमने, और ये जो गरेरी है अब इसमें डाल लेंगे ऐसे, और इसको चला के चेक करेंगे फिर ये टाइट है या ढीला है। ये देखिए दोस्तों अभी जो है काफ़ी टाइट चल रहा है, इसको जो है ना ये देखिए, ये जो जिसमें हमारी चैन लगती है ना, इसको यहाँ पे टाइट कर लेंगे इसमें, तभी इसको चला के चेक करेंगे। इसको दोस्तों ये जो खांचा है ना रोड का ये वाला, इसका एक पेंच इसमें टाइट कर लेंगे, तब उसको घुमा के देखेंगे। इसको पहले इसका जो पेंच है ना एक, इसका मैं टाइट कर लेंगे ताकि हमें घुमाने में आसान नहीं हो, ये दोनों पेंच रोड में अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इसको चला के देखेंगे ऐसे, ये देखिए दोस्तों अभी जो है थोड़ा सा टाइट चल रहा है। इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों, इधर का जो इसका कवर है ना ये वाला, ये लगा लेंगे, और इसका जो खांचा है ना ये वाला, एक पेंच इसमें टाइट करेंगे यहाँ पर। और इसको लगाने से पहले है ना दोस्तों, इसकी जो प्ले है ना ये वाली, ये हल्की सी ऐसे मिला लेंगे और ऊपर से पेंच टाइट कर देंगे, ये हो गया, और ये वाला भी, दोनों पेंच को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इसको लटाएंगे दोस्तों, अब देखना आप, अभी क्या है ना ये टाइट चल रही है थोड़ी सी, और ये फ्री होनी चाहिए बिल्कुल। इस पर क्या करेंगे हम दोस्तों, इस पर जो है ना हल्की हल्की एमरी लगा लेंगे ये, और इससे जो है ना दोस्तों इससे कटाई हो जाएगी अच्छे से ऐसे, जिस तरह गरारी ग्रीन करते हैं ना अम्ब्रेला सिलाई मशीन में, और मैं और हल्की सी इसी में ग्रास भी लगा लेंगे, उसको आगे पीछे करके ऐसे। और दोस्तों जैसे हमने ये लॉक टाइट करा ना यहाँ पे और यहाँ पे, हल्का सा जो है ब्रासों का पानी, इसमें जो है ना दोस्तों ये देखिए ब्रासों का पानी से लेंगे बारीक, और इधर भी डाल लेंगे यहाँ पर, ताकि इसका जो फेस है ना वो भी ग्रीन हो जाए, और यहाँ पर ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे चला लेंगे, और इसको लेटा के ना यहाँ पर भी डालेंगे यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों। अब हमें इसको हल्का कैसे करना है, ये देखिए ये जो बेल्ट है ना टूटी हुई, ये टूटी हुई बेल्ट है, इसको जो है ना यहाँ पे फंसा लेंगे, इसके जो दांते हैं ना ये इसमें, इसको जो है ना दोस्तों ऐसे करके चलाएंगे ऐसे, और यहाँ से जो है ना बिल्कुल फ्री हो जाएगी ऐसे, ये देखिए। अभी अगर आपको हल्की सी अभी टाइट लगे ना दोस्तों, तो इसमें जो है ना हल्की सी और ब्रश लगा लेंगे ऐसे ऐसे, और इसको फिर ऐसे ही हल्का कर लेंगे, इससे क्या होगा है ना हमारी दोस्तों गरारी दोनों फ्री हो जाएगी, मशीन जब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी ना दोस्तों बिल्कुल मलाई सी चलेगी पानी की तरह, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल फ्री हो गई, ये इधर देखिए ये। अब इसको खोल के है ना अच्छे से साफ कर लेंगे, और ये हमारा नीचे का हिस्सा जो है ना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, इसको खोलेंगे यहाँ से इसके दोनों पेंच, इसको बाहर निकाल लेंगे, छोटा पेंच कैसे लगाएंगे इसमें, ये निकाल लिया हमने, और इसको बाहर निकाल लेंगे ऐसे, ये भी निकाल लिया,
ठीक है दोस्तों, अब इसको भी बाहर निकाल लेंगे। इसको बाहर निकालेंगे कैसे, ये इधर से इसका कवर खोलेंगे, इसके दोनों पेज खोलेंगे ये वाले, ये खोल लें और इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे। और इसको जो है ना दोस्तों मशीन को अब बिल्कुल जो है ना बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेंगे, धो लेंगे, इसमें एमरी ब्रास हो कहीं भी ना हो, ये कलश भरी है ना इसकी एमरी ब्रास हो, सब अच्छे से साफ करके तब लगाएंगे इसको। तो मैं इसको साफ करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने बिल्कुल जो है अच्छे से इसके साफ कर लिया है, उसकी जो कि जितनी एमरी ब्रास होती है ना कलश वगैरह सब साफ कर लिया है। अब इसमें जो है ना हम दोस्तों इसमें तेल डालेंगे एक कप बूंद ये, और इसको इसमें डाल लेंगे यहाँ पर, और ऐसे ही इसमें तेल डालेंगे और इसको इसमें ऐसे डाल के तब डाल देंगे। ये देखिए, और इसमें यहाँ पे है ना दोस्तों ये गरारी में यहाँ पे भी तेल डाल लेंगे। इसको खड़ी करके ना इसका जो कवर है ये, इसको यहाँ पे खांचे पे ला के इसका एक पेंच टाइट कर देंगे कवर का, इसको लॉक भी बोलते हैं दोस्तों ये यहाँ पर। दोनों पेज स्टार्ट कर लेंगे ये दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री हो चुके हैं ऐसे। इसका काम हमारा जो है दोस्तों निमट गया, ठीक है। और इसके बाद जो है ना नीचे का जो है चिमटा संतरी वगैरह है ना लटे, ये वाले ये जो लटे है ना ये लट हो गई और ये चिमटी हो गई और ये ऊपर संतरे वाली लट हो गई, ये हम जो है ना आपको इसमें दोस्तों अगले पार्ट्स में आपको ये लगा के दिखाएंगे ये वाला। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करना दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को ज्यादा सपोर्ट करें, आने वाले समय में आपको जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों।